Okay, so I think we are live now. So welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the semi-empirical mass formula. हमने रेडियोएक्टिविटी के दो तीन लेक्चर कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो यार एक और लेक्चर रेडियोएक्टिविटी का ही इस semi-empirical mass formula को मैं इस चैनल पर डिस्कस करूँगा, एंड उसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं वो चलेंगे हमारे जो अनअकैडमी का IIT जैम का चैनल है, ठीक है। अनअकैडमी IIT जैम करके जो चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी आपके इसी तरह से लेक्चर्स आते रहेंगे। ये जो चैनल है अनअकैडमी IIT जैम, इस तरह से आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, कुछ लेक्चर वहाँ पर, कुछ लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसके अलावा बाकी लेक्चर्स तो अपने अनअकैडमी ऐप पे चलते रहते हैं, तो अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर दिस प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड उस पर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रेफरल कोड आ रहा है, रेफरल कोड इज लाइव गौरव 10, इसे आप यूज़ करते हैं देन यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन द न्यूक्लियर सॉरी लेट्स बिगिन दिस सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। तो यार क्या है सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, देखो ये चीज हमें बताती है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है दैट इज डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, बट जो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है ये हमें इसके हर एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है कि आपका जो बाइंडिंग एनर्जी है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एंड ऑल दैट जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी चीज़ों के बारे में बताता है कि ये वॉल्यूम पे एंड सरफेस पे किस किस चीज़ों पर किस किस तरह से ये डिपेंड करता है, सभी के बारे में बाइंडिंग एनर्जी जो टर्म है ये हमें बताने वाला है। तो यार सबसे पहले जो इसमें टर्म आता है दैट इज़ वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म आएगा दैट इज वॉल्यूम वाला टर्म, एंड वॉल्यूम क्या होता है देखो आपको पता है कि जो मास डिफेक्ट है सॉरी जो बाइंडिंग एनर्जी है कंप्लीट जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसे हम ईबी से डिनोट कर लेते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ दैट न्यूक्लियस। एंड यू नो व्हाट, जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है मास नंबर पे, ठीक है। ये चीज़ पढ़ी हुई हमने, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ऑल्सो ई बी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट व्हाट देन व्हाट ई बी इज प्रोपोर्शनल टू ए, ई बी प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या टर्म मिलता है, सबसे पहला ई बी इक्वल्स टू ए वी इंटू ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इससे आप बाइंडिंग एनर्जी बताते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी हाँ जी इतनी होनी चाहिए किसी न्यूक्लियस की। आपके जो जो डाउट्स हैं आप यहाँ पर पूछते रहिए लाइव चैट में। तो यार ये जो टर्म हमारा दिस टेल्स अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी कि ऐसी ऐसी हमारी बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए। सो वी यूज अ कॉन्स्टेंट टर्म ए वी जो कि आपके वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है ए वी, ठीक है। सो जो कॉन्स्टेंट टर्म है ए वी यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं ये टर्म क्या है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव का भी खासा ध्यान रखा जाएगा, ये टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता रहा है कि ई बी आपकी पॉजिटिव होगी, बाइंडिंग एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी। बट कुछ फैक्टर्स इस बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इस बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट टर्म जो है अपना बाइंडिंग एनर्जी कौन बताएगा, वॉल्यूम वाला टर्म। तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे जिसे आप सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहला टर्म ए वी ए, देन उसके बाद जो बाकी टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड टर्म जो अपना सरफेस, ठीक है। तो आपका ये जो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला है दिस कम्स फ्रॉम द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है दैट एक्ट्स लाइक अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह काम करता है। सो इसमें लिक्विड की ड्रॉप में सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, तो इसमें सरफेस टेंशन होगा। उसी तरह से न्यूक्लियस का भी जितना सरफेस है उतना सरफेस टेंशन होगा, तो इसका सरफेस जितना बड़ा सरफेस
उतना बड़ा उतना ज़्यादा ही अफेक्ट करेगा बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है। एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो हमें पता है एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह है, एंड लिक्विड की ड्रॉप की तरह प्रॉपर्टीज होंगी इसमें, तो उसमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होगी जो कि इसको कम कर देगी। एंड यू नो कि जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके एरिया पे, उसका कितना सरफेस है उसी को तो एरिया बोलते हैं। एंड रेडियस आपको पता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, ए टू द पावर 1/3, ठीक है। रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/3 होता है, तो एरिया क्या होता है 4πr², 4πr² किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर, देखो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। आर अगर आपके देखो ये सारा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको आप हटा दो, सो आर स्क्वायर आपका बचा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 2/3, ठीक है। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 था, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/2/3, ठीक है। सो जो सरफेस है आपका, सरफेस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ए टू द पावर 2/3, वेयर ए इज द मास नंबर, ठीक है। ए क्या है आपका, मास नंबर है, जो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ए टू द पावर 2/3 के। तो इस वजह से क्या होगा, जितना उसका सरफेस होगा उतना बाइंडिंग एनर्जी में कमी आएगी, और बाइंडिंग एनर्जी में जो कमी आएगी वो क्या हो जाएगी, इसे हम लिख देते हैं सरफेस वाला टर्म, ठीक है, ई एस इसको लिख देते हैं, माइनस ए एस ए टू द पावर 2/3, गॉट इट। ए टू द पावर 2/3 इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। जितना बड़ा सरफेस उतना ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, उतना ज़्यादा फैक्टर, यानी जितना बड़ा सरफेस होगा उतना बड़ा फैक्टर इस बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करने वाला है। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा ई एस इसको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। दैट इज वाई दिस ई एस इज माइनस ऑफ ए एस ए टू द पावर 2/3, ए एस जो है यहाँ पर दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड माइनस क्यों आए, क्योंकि ये टर्म बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है, ये टर्म बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है। जो बाकी टर्म्स होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जो बाकी सारे टर्म्स बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल जो बाइंडिंग एनर्जी थी दैट वाज ए वी ए, उसके बाद सरफेस टर्म आया उसने थोड़ी सी कम कर दी, तो एनर्जी कितनी बन गई, ए वी ए माइनस ए एस ए टू द पावर 2/3, क्यों, ये कौन सा टर्म है, सरफेस वाला टर्म, तो थोड़ी सी कम हुई, नहीं हुई, इस पूरी क्वांटिटी में से थोड़ी सी क्वांटिटी माइनस कर दी, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, अब बाइंडिंग एनर्जी और कम होगी। एक और फैक्टर आता है बाइंडिंग एनर्जी का, तीसरा फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज कोलम्बिक एनर्जी, ठीक है, कोलम्बिक रिपल्सन। तो कोलम्बिक रिपल्सन जो आपका किस तरह से काम करता है, देखो या से आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जो थर्ड चीज है कोलम्बिक रिपल्सन। तो व्हाट इज द कोलम्बिक रिपल्सन, देख लीजिए आप, जो आपका कोलम्बिक रिपल्सन है ना, क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके पास अंदर प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। सारा पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो आपको पता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज मेनली अट्रैक्टिव, बट थोड़ा बहुत अपना असर कोलम्बिक फोर्स भी दिखाता है, तो थोड़ा बहुत रिपल्सन देखने को मिलता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं रिपल्सन भी बढ़ता जाता है। एंड ये भी एक फैक्टर होता है कि आपका जो बड़े न्यूक्लियाइज होते हैं, बड़े न्यूक्लियाइज होते हैं जो वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैक्टर ये भी होता है वहाँ पे। बाकी तो अपना जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसका जो रेशियो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं जो कि जो हायर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाती है, बट ये भी एक छोटा सा अपना काम वहाँ पे करता है कोलम्बिक रिपल्सन। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो कोलम्बिक रिपल्सन भी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी समझ क्या रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी से आप समझ क्या रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जो रिपल्सन है वो ऑलरेडी उनको थोड़ा थोड़ा दूर कर देगा, तो हमें दूर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो कोलम्बिक रिपल्सन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी में कमी आएगी, ठीक है, तो ऐसा है आपका। तो जो कोलम्बिक रिपल्सन है किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जितने पेयर्स बनने वाले हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड प्रोटॉन्स के कितने पेयर बनेंगे, टोटल पेयर्स होते हैं जेड, तो टोटल जो पेयर्स कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल जेड प्रोटॉन्स है हमारे पास, दो दो के पेयर बनने हैं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जेड सी टू,
ठीक है, तो जेड सी टू मतलब जेड जेड माइनस वन ओवर टू फैक्टर। तो इतने आपके पास क्या बन जाएंगे, इसके पेयर बन जाएंगे, प्रोटॉन्स के पेयर, और इसी चीज के प्रोपोर्शनल कौन होगा, जो कोलम्बिक रिपल्सन है, ठीक है, कोलम्बिक रिपल्सन इसी चीज के प्रोपोर्शनल होने वाला है। ओके, तो आपका जो थर्ड टर्म है ईसी से हम बोल देते हैं कोलम्बिक, ये क्या हो जाएगा माइनस ए सी, ठीक है, टू फैक्टोरियल भी हमने कंबाइन कर दिया इसी के साथ, जेड जेड माइनस वन ओवर ए टू द पावर वन बाई थ्री। ए टू द पावर वन बाई थ्री क्या है, दिस इज रेडियस का फैक्टर आपको पता है, ठीक है, तो ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है, जो कोलम्बिक रिपल्सन होता है, पता है ना आपको, जितना कम रेडियस होगा उतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है, जितने पास पास से आते आते जाएंगे उतना रिपल्सन भी तो बढ़ेगा, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। ईसी से बोल देते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड ईसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वन ओवर आर, ठीक है, एंड आर इज यू नो दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है। सो ये पूरा टर्म हमारा कोलम्बिक एनर्जी का आ गया, ये टर्म भी थोड़ा सा कम हो जाएगा उसमें। Then the next thing is fourth term is about asymmetry. What is asymmetry? देखो asymmetry क्या होती है आपकी, asymmetry का मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो नंबर है उसमें कितना डिसबैलेंस हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिसबैलेंस है वो कितना हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको पता है जेड ए माइनस जेड होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर जेड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ए माइनस जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, ये चीज आपको पता है। तो ज्यादातर क्या होता है आपका जो पी इक्वल्स टू एन होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके न्यूक्लियस होते हैं वहां से आपका पी इक्वल्स टू एन सभी में लगभग बराबर होता है, ठीक है, बट जैसे जैसे आप बड़े न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं वहां पर ये रेशियो जो है ये डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, एक चीज ऊपर चली जाएगी एक चीज नीचे चली जाएगी, और यही रीजन है आपका बीटा डीके का भी, ठीक है, बीटा डीके भी आपका इसी वजह से होता है कि आपका ऐसा जब डिस ये जो कर्व है यहाँ पर स्टेबल न्यूक्लियस होता है, अगर न्यूट्रॉन आपके बढ़ गए प्रोटॉन कम हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन कम हो गए, दैट रिजल्ट इन द नेगेटिव बीटा डी के, और अगर आपके प्रोटॉन ज्यादा हो गए न्यूट्रॉन्स कम हो गए इस साइड, दैट रिजल्ट द पॉजिटिव बीटा डी के, ठीक है, तो ये आपका एक बीटा डी के का भी रीजन है जो डिसबैलेंस होता है, और इसकी वजह से क्या होता है एसिमेट्री भी आ जाती है, और एसिमेट्री का फैक्टर कितना होता है ए माइनस टू जेड का होल स्क्वायर ओवर ए, ठीक है, दिस इज द फैक्टर ऑफ एसिमेट्री। कैसा आया देखो, टोटल जो डिसबैलेंस आपका आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ए, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं ए माइनस जेड, तो आपका जो डिसबैलेंस आया यानी एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स आए हुए हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे इससे ज्यादा होंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कितने आए, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स कितने आए, आपके पास 10 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, आपने बताना है कितने न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, वैसे बराबर होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बट एक्स्ट्रा कितने हो गए 12 माइनस 10 मतलब 2, दो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास अगर प्रोटॉन जेड है तो ये भी जेड होने चाहिए थे, न्यूट्रॉन भी जेड होने चाहिए थे, बट ये ए माइनस जेड थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आपके पास जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स आएंगे कितने आएंगे ए माइनस जेड माइनस जेड, ठीक है, ए माइनस जेड माइनस जेड, दिस इज द नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन्स, तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस जेड माइनस जेड ए माइनस टू जेड, ठीक है, तो पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपॉन ए, और तो टोटल जो आपका अफेक्ट करने वाला है वो कितना करने वाला है ए माइनस टू जेड इंटू ए माइनस टू जेड ओवर ए, ठीक है, ये आपका टोटल है, टोटल जितना वो आया हुआ है क्या बोलते हैं डिसबैलेंस आया हुआ है, ठीक है, टोटल जितना डिसबैलेंस आया हुआ है पूरे न्यूक्लियस में ये वो चीज़ है, एंड इंटू ये पर न्यूक्लियन जितना डिसबैलेंस आया हुआ है ये है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज द टोटल फैक्टर जो कि आपका एसिमेट्री का फैक्टर है, और एसिमेट्री आपकी इतने से आ जाएगी उस पूरे न्यूक्लियस में, तो एसिमेट्री कितने से आए देखो ए माइनस टू जेड इसका स्क्वायर ओवर ए, तो आपको जो एसिमेट्री वाला टर्म बन जाएगा ई ए से हम लिख देते हैं माइनस ए ए ए माइनस टू जेड का होल स्क्वायर ओवर ए, ये माइनस क्यों लग रहा है सब में माइनस लगा है, तो देखो समझ में आ रहा है माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये टर्म्स बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहे हैं, अभी सभी को हम कंबाइन करेंगे
जो फाइनल और लास्ट टर्म जो आपका है दैट इज पेयरिंग, या बोल सकते हैं पेरिटी। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो पेरिटी, क्योंकि पेरिटी की वजह से आपके न्यूक्लियर इस बाइंडिंग एनर्जी में कमी आई हुई है, ये चीज आपकी। तो ये कितनी होगी, देखिए या आप पेयरिंग एनर्जी पेरिटी व्हाटएवर जो आप बोलते हो, तो पेरिटी जो है पेरिटी आपकी इस बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी, पेरिटी का मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास 10 प्रोटॉन है, इवन नंबर 10 का इवन नंबर, तो पांच पांच के जोड़े बन सकते, मतलब दो दो के पांच जोड़े बन सकते हैं, दो दो के पांच जोड़े बन सकते हैं, एक दो, एक जोड़ा बन गया, एक दो दूसरा जोड़ा, एक ये ऊपर नीचे को हुआ इनके इस पे तीसरा जोड़ा, एक दो तीन चार पांच, पांच जोड़े बन गए। तो पांच जोड़े बन गए अपने, तो पांचों ने क्या किया, सबका अपना अपना स्पिन था, सबने कैंसिल आउट किया, तो ये क्या बन गया, एक स्टेबल न्यूक्लियस बन गया। अगर इसको हम 11 कर देते हैं, 11 प्रोटॉन कर देते हैं, तो एक बेचारा यहाँ पे सिंगल बच गया। ठीक है, एक बेचारा सिंगल है, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा डिसबैलेंस आ जाएगा पूरे न्यूक्लियस में। ठीक है, क्योंकि एक चार्ज अपना एक्स्ट्रा बढ़ गया है, सारे चार्ज ने अपने आपस में पेयर अप किया, थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया कहीं से, तो इसमें डिसबैलेंस हो गया। ये तो होगी प्रोटॉन की बात। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन लेते हैं, तो न्यूट्रॉन भी क्या करता है, डिसबैलेंस कर देता है। अगर न्यूट्रॉन्स इवन है, इवन इवन सारे पेयर बनाएंगे, स्टेबल कर देंगे। एक भी अगर अनस्टेबल आ गया, तो वहाँ पर एक भी अगर एक्स्ट्रा आ गया, सो वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। सो आपके अगर इवन इवन न्यूक्लियाइज हैं, तो दैट इज स्टेबल वन। अगर इवन ऑड है, इवन इवन का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स भी इवन, न्यूट्रॉन्स भी इवन, देन दैट इज स्टेबल। इवन ऑड है, देन दैट इज क्वाइट लेस स्टेबल। ठीक है, इवन ऑड है, देन इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो, थोड़ा सा कम स्टेबल। बट अगर दैट इज ऑड ऑड, देन दैट इज अनस्टेबल, या बोल सकते हो लेस स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल है, आपके प्रोटॉन्स भी ऑड है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक न्यूट्रॉन भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, दोनों अपना अपना काम दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे और इसको कम कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी को। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा ना, एक्स्ट्रा वाले की वजह से थोड़ा थोड़ा ये इनमें वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब टूटना इनका आसान हो जाएगा, इनको तोड़ना आसान हो जाएगा अगर ये ऑड नंबर्स में होते हैं तो, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बन पा रहे ना, इनके जोड़े नहीं बन पा रहे तो इनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तो इवन इवन जो है दैट इज स्टेबल, इवन ऑड है दैट इज इंटरमीडिएट, ऑड ऑड जो है दैट इज अनस्टेबल। तो ये जो पेरिटी वाला टर्म है, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा भी सकता है या आपकी बाइंडिंग एनर्जी को घटा भी सकता है, एंड कोई फर्क नहीं भी पड़ सकता है। कब फर्क पड़ेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, इस फैक्टर को हम बोलते हैं डेल्टा, एंड ये आपका हो सकता है प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, दिस कैन बी प्लस माइनस डेल्टा, और इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा की, दैट इज ए पी ओवर ए टू दी पावर 3/4। इस चीज पर डिपेंड करता है, ए पी इज ए कॉन्स्टेंट एंड ए टू द पावर 3/4 ए इज द मास नंबर। डेल्टा जो है डिपेंड करेगा ए पी ओवर ए टू द पावर 3/4, और ये चीज आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये चीज आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, ये चीज आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, कि आपकी पेरिटी कोई फर्क ही नहीं डाल रही है, इवन इवन अगर होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। ओके, अच्छा नहीं, इवन ऑड अगर होता है, इवन ऑड अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इवन इवन अगर होता है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा ना। ठीक है, इवन इवन अगर बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड ऑड अपनी स्टेबिलिटी कम कर देगा, तो ऑड ऑड वाले केस में ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो अब सारे टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं, दैट गिव्स अस द कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी। तो जो आपकी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी का टर्म बनता है, दैट इज सबसे पहले क्या था, वॉल्यूम वाला टर्म माइनस, या चलो प्लस, सभी का सम। ठीक है, ई एस प्लस कूलॉम्बिक प्लस एसिमेट्री प्लस पेरिटी, तो ये सारे आपके टर्म्स हैं, इन सबको आप सम कर दोगे, वो आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी दे देगा न्यूक्लियस की। ये क्या था, ए वी इंटू ए, थोड़ी बाइंडिंग एनर्जी कम कर दी किसने, सरफेस वाले ने, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए एस ए टू दी पावर 2/3। ठीक है, थोड़ी बाइंडिंग एनर्जी कम कर दी कोलम्बिक ने, क्या हो जाएगा, ए सी जेड जेड माइनस 1 ओवर ए टू दी पावर 1/3। थोड़ी कम कर दी किसने, एसिमेट्री ने, एसिमेट्री ने कितनी कर दी, ए माइनस 2z, आगे से सरफेस में कितना, आगे से कितना आया, ए ए, ठीक है, ओवर ए टू दी पावर 2/3।
ठीक है, इसके बाद ये 2/3 है ए है, सॉरी दैट इज ए ओवर ए, सॉरी। सो एसिमेट्री वाला टर्म कितना आया, ए ए ए माइनस 2z का होल स्क्वायर ओवर ए, एंड फाइनल जो टर्म आपके पास दैट इज पैरिटी, दैट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ए पी ओवर ए टू दी पावर 3/4, या आप चाहें तो इसे प्लस माइनस डेल्टा भी लिख सकते हैं सिंपली। इसकी वैल्यू प्लस होगी कब, इवन इवन के केस में, जीरो होगी कब, इवन ऑड के केस में, माइनस होगी कब, ऑड ऑड के केस में, ठीक है। इवन ऑड, ऑड ऑड क्या है समझे, इवन इवन मतलब प्रोटॉन भी इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन, ठीक है। एग्जांपल 2He4, 2He4 है जैसे आपका, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे यानी जेड, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 4 - 2, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे, ये भी क्या है इवन, 2 भी इवन, ये भी इवन, तो दोनों इवन, मतलब ये इवन इवन न्यूक्लियर। इसी तरह से इवन ऑड 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 का एग्जांपल ले सकते हो, इवन ऑड का कैसे, इवन ऑड का एग्जांपल आपके पास है, इवन ऑड, इवन ऑड का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स आपके इवन होंगे, न्यूट्रॉन्स आपके ऑड होंगे, या हो सकता है प्रोटॉन्स आपके ऑड हो, न्यूट्रॉन्स आपके इवन हो, ठीक है, कोई एक चीज इवन कोई एक चीज ऑड होगी। तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा से हो चुका है, तो देखिए आपके पास क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स, 3Li7 आप ले लीजिए जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, 3Li7 जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 3, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 7 - 3 मतलब 4, तो देखिए एक इवन आ गया एक ऑड आ गया, तो उस केस में ये जो पैरिटी वाला टर्म है दैट विल बी 0, ठीक है, और ऑड ऑड बाकी जो ऑड ऑड वाले होंगे उसमें तो और भी कम, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं सारी चीजें, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी टर्म, कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा, इसमें और भी आपको रेडियो एक्टिविटी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे IIT JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहेंगे आपके IIT JEE के लिए, एंड उसके अलावा फिजिक्स के और लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, और जो अलग चैनल है अपना अनअकैडमी IIT JEE उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं गौरव पांडे अनअकैडमी, तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आप गूगल कीजिए, आप YouTube पे सर्च कीजिए, वॉट एवर, आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गाइस वेरी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर।